अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा जायका फूड ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होटल जैसी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने इस कप से 3 कप चावल लिए हैं। आप किसी भी चीज़ से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने इस कप से 3 कप चावल लिए। अब मैं इसी कप से 1 कप भर के उड़द की दाल ले रही हूँ। जिस भी चीज़ से आप चावल का मेजरमेंट करें उससे 3 गुना ज़्यादा चावल होना चाहिए और उसका 1/3 दाल होना चाहिए। तो मैंने इसी कप से 3 कप चावल लिए हैं और 1 कप उड़द की दाल, और ये है मेरे पास 1 टेस्पून मेथी दाना। अब हम इन तीनों को अच्छी तरीके से धो लेंगे, चावल और ये उड़द की दाल और ये मेथी दाना। इन सबको हम 4-5 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। ये मैंने चावल को भी धो के अच्छे से सोक कर लिया है। ये चावल, ये उड़द की दाल और ये मेथी दाना। मैंने इन सब इन तीनों को अच्छे तरीके से धो के इन्हें 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने चावल पीस के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा चावल का बैटर कितना गाढ़ा रहता है। अब इसी तरीके से हम दाल को भी पीस के रेडी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब दाल को पीसें, और दाल पीसने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करें जिसमें हमने भिगोया था। दाल पीसते टाइम हम अपने मेथी दानों को भी इन्हीं दाल में डाल देंगे और इसे साथ में पीस लेंगे। हमारे दाल चावल पीस के रेडी हो चुके हैं। फुली फुली स्पॉन्जी इडली बनाने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। हम जब तक हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं हो जाता, खमीर नहीं हो जाता, जब तक हमारी इडली अच्छे से नहीं बन सकती है। तो फर्मेंट करने के मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि जब आपके घर में कोई दोपहर का चावल बचा हो उसको पीस के आप इसके साथ यूज़ कर लें, तो इससे आपका बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ओवन को प्री हीट करके, ओवन बंद करके इसको रात भर उसके अंदर छोड़ दें, उससे भी आपका बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप इसमें थोड़ा सा पोहा डाल दें, चूड़ा जिसको कहते हैं, उससे भी आपका बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। तो मैं ये बचे हुए चावल यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसको कर सकते हैं। हमारा बैटर पीस के रेडी हो चुका है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम इडली का बैटर मिक्स करें तो किसी चम्मच से ना करके हाथ से करें। जब हम इसमें हाथ का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है। और इसमें नमक का यूज़ अभी नहीं करें। जब ये फर्मेंट हो जाएगा, जब हम इडली बनाने लगेंगे उसके बाद ही इसमें नमक मिलाएं। अभी मिलाने पर इस जल्दी फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो फर्मेंट करने के लिए इसको हाथ से अच्छे से फेंटें और इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दें।
तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इसी तरीके से, गर्मी के मौसम में तो हम ऐसे इसको किसी भी जगह पर रख सकते हैं, अगर जाड़े के मौसम में आप बना रहे हैं तो इसको, अगर आपके घर में ओवन है तो आप इसको प्री हीट करके ओवन के अंदर डाल दें और ओवरनाइट इसको उसमें छोड़ दें, तो बहुत अच्छे से आपका बैटर फर्मेंट हो जाएगा। और अगर आप जाड़े के टाइम बना रहे हैं तो इसको ढक के आप इसके ऊपर कोई मोटी चीज़, चादर, कपड़ा, ब्लैंकेट, कुछ इस तरीके का डाल दें, तो ये गर्माहट से बहुत जल्दी फर्मेंट होगा। और जब तक आपका बैटर फर्मेंट नहीं होगा तो आपकी इडली अच्छी नहीं बन पाएगी। हमारी इडली का बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सोडा पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स ना करें, इसके जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको जेंटली धीरे धीरे मिक्स करें। बैटर मिक्स हो चुका है। अब हम अपने इडली के बर्तन में पानी चढ़ा दिए, पानी हमारा खौल रहा है। अपने इडली के बर्तन को तेल से ग्रीस कर लें, ऑयल से। अब हम इसमें इस बैटर को ऐड कर देंगे। अब हम अपने इडली की ट्रे को इसके अंदर डालते हैं। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाते हैं। चेक कर लें कहीं से भी आपकी स्टीम बाहर ना आ रही हो। अब इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह रहने दें, उसके बाद हम अपनी इडली चेक करेंगे। इडली को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, आइए हम अपनी इडली को चेक करते हैं। जब भी आप इडली को चेक करें तो चम्मच के पीछे साइड से इसके अंदर डालें और निकाल के देखें, हमारी चम्मच एक बिल्कुल साफ सूखी सी निकल रही है, इसका मतलब हमारी इडली तैयार है। ये देखिए, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारी इडली रेडी हो चुकी है, इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे चैनल